नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी की नाजी सेना ने करीब 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया था। इसके विरोध में इजराइल हर साल 24 अप्रैल को होलोकॉस्ट डे नरसंहार दिवस मनाता है। इसी के चलते देश भर में सोमवार को सभी रेस्टोरा, कैफे, सिनेमाघरों और मनोरंजन की जगह बंद रखी जाती है। टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों से इस त्रासदी से जुड़ी यादें, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय के जिंदा लोगों के इंटरव्यू और दर्द भरे गानों का प्रसारण भी किया जाता है। बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही यहूदियों के लिए नए देश इजराइल का गठन हुआ था। इसके बाद इजराइल कई मुस्लिम देशों के निशाने पर भी आ गया था। आत्मरक्षा के लिए इजराइल ने अपनी पूरी ताकत खुद को मजबूत करने में झोंक दी थी। साल 1967 में 8 देशों से सिर्फ 6 दिनों में ही जंग जीत ली थी इजराइल ने। 27 मई 1967 को इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की थी कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। मई के अंत में इजिप्ट और जॉर्डन के बीच एक समझौता हुआ था कि अगर इजराइल द्वारा एक मुल्क पर हमला हुआ तो दूसरा मुल्क उसका साथ देगा। जून में इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध शुरू हो गया और जल्द ही ये कई और अरब मुल्कों तक फैल गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए थे। इस युद्ध को जून वार के नाम से भी जाना जाता है। इजराइल पर हमला करने के लिए इन देशों ने जॉर्डन में अपना आर्मी बेस बनाया था। ये देश इजराइल पर अटैक करते कि इससे पहले ही 5 जून को इजरायली एयरफोर्स ने इजिप्ट के तकरीबन 400 फाइटर जेट्स जमीन पर ही उड़ा दिए थे। इससे दुश्मन देश घबरा गए थे और सिर्फ 6 दिनों में ही जंग खत्म हो गई थी। दोस्तों, इजराइल का मानना था कि अगर उसे जीतना है तो पहले ही हमला करना होगा। इसी मकसद से इजराइल ने जॉर्डन के आर्मी बेस पर मौजूद लड़ाकू विमानों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे। इजरायली हमले के फौरन बाद इजराइल की सीमा पर अरब मुल्कों की फौजों का जमावड़ा शुरू हो गया था। लेकिन जमीनी लड़ाई में भी इजरायली सेनों ने न केवल इन्हें शिकस्त दी बल्कि गाजा पट्टी भी अपने कब्जे में कर ली थी। दोस्तों, इस युद्ध में इजरायल के करीब 1000 सैनिक मारे गए जबकि 4500 घायल हुए। कई इजरायल सैनिकों को बंधक भी बनाया गया। वहीं अरब देशों में मौतों की संख्या और ज्यादा थी। इस युद्ध में अकेले इजिप्ट के ही करीब 15000 सैनिक मारे गए थे जबकि 4500 के करीब सैनिकों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा जॉर्डन के 6000 और सीरिया के करीब 1000 सैनिक मारे गए थे। दोस्तों, उड़ने से पहले ही जॉर्डन के आर्मी बेस पर खड़े फाइटर जेट उड़ा दिए गए थे। जमीनी जंग में इजरायली टैंकों ने भारी तबाही मचाई थी। इस दौरान दुनिया के सामने पहली बार इजरायल के आधुनिक टैंक नजर आए थे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में।